इसका जो मिक्सिबिलिटी है मुझे अच्छी इतनी अच्छी नहीं लगी। ये ऑनेस्ट रिव्यू है तो मैं सच बता रहा हूँ, जो मेरे को फील हुआ मेरे बॉडी के हिसाब से, मेरे टेस्ट के हिसाब से। तो गाइस देखो, आज का मौसम इतना ज्यादा प्यारा हो रहा है, बादल ही बादल आ गए हैं, बारिश होने वाली है। एंड अरे यार चुप हो जा, बाहर से आवाज आ रही है। देखो ये छोटा सा गुलाब का फूल भी आ रहा है, देखो इधर तो प्यारा लग रहा है। और भी छोटे छोटे फूल्स आ रहे हैं, ये देखो ये फूल है कि कोई फ्रूट है पता नहीं, ऐसा नहीं ये फूल है, ये भी देखो ऐसा फूल आ रहा है एकदम। ये अजवाइन का है, ये देखो ये भी इतने प्यारे प्यारे फूल आ रहे हैं एकदम मस्त, ये देखो वाव। एंड मौसम बहुत ही ज्यादा प्यारा हो रहा है एंड अभी बारिश हमें हल्के हल्के स्टार्ट हो गई है। हफ्ते भर से मुंबई में बारिश नहीं हो रही थी, गर्मी हो गई थी एकदम ज्यादा, अभी आज स्टार्ट हुई है बारिश, आज अभी हो रही है, देखो बारिश स्टार्ट हो गई, बात कर रहा हूँ मैं आप लोग से एंड बारिश स्टार्ट हो गई। तो पीछे से थोड़ा आवाज आ रही है, वहाँ पे काम चालू, उसको थोड़ा इग्नोर करना, बंद हो गया। देखो अभी भी हल्की हल्की ड्रिजलिंग चालू हो गई है। ये देखो बारिश पूरी एकदम चालू हो गई है, फूल एकदम जोश से बारिश चालू हो गई एकदम। हाँ एक हफ्ते बाद मुंबई में मतलब एकदम गर्मी पड़ गई थी, मुंबई में धूप की धूप निकल रही थी, लग नहीं जाता कि बारिश का मौसम है, तो बारिश आ गई। अबे कबूतरों के लिए हमने डाला हुआ है, चिड़ियों के लिए खाना, अभी वो गीला हो जाएगा पर वो फिर भी आके खा लेते हैं वो लोग। जब बारिश होती है ये गार्डन हम लोग का जो टेरिस है इतना प्यारा लगता है ना, बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेयर पे बैठ जाता हूँ मैं एंड हवा चलती है, नज़ारा एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बाहर का नज़ारा देखता रहता हूँ बारिश होती होती है एंड गर्म गर्म पकौड़े खाओ, मजा आता है। तो आज है ब्रेकफास्ट में आलू की सब्जी, पनीर की भुर्जी एंड पराठा, चलो फटाफट सुखा के खत्म करते हैं। सो हाँ भाई, अपना ब्रेकफास्ट तो हो गया है, तो कल रक्षाबंधन था, ये देखो ये राखी एंड आप सभी को भी हैप्पी रक्षाबंधन। पता है मेरे को थोड़ा लेट बोल रहा हूँ पर आप सभी को भी हैप्पी रक्षाबंधन। तो चलो अभी अपना फटाफट अनबॉक्स करते हैं बीस लाइफ प्रोटीन। चलो भाई ये अपना बीस लाइफ प्रोटीन, ये बॉक्स मेरे को अराउंड एक हफ्ता पहले डिलीवर हुआ था, ये इस लाइफ की फ्रीडम सेल थी तब मैंने ये मंगाया था। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं, बॉक्स अपन ये इससे अनबॉक्स करेंगे नेल कटर से। पहले मिला है अपने को इसमें एक बीच लाइफ का शेकर, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, देखते हैं इसको साइड में। एंड ये अपना साथ में क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट 100 ग्राम है क्रिएटिन, ये एक और क्रिएटिन एंड ये है अपना बीच लाइफ का वे प्रोटीन। तो ऐसे मैंने दो बॉक्स मंगाए हैं, ये हो गया अपना तीन एंड ये मिले कुछ अपने को स्टिकर्स बीच लाइफ के एंड ये है बिल। सो बस अनबॉक्सिंग में यही था, सो अभी मैं इसका टेस्ट एंड इसका जो रिव्यू है वो आपको मैं बताता हूँ थोड़ी देर बाद। अभी मैं जिम जाऊंगा, जिम से आने के बाद इसका टेस्ट एंड रिव्यू बताता हूँ कि कैसा है। सो गाइस अभी मैं पी रहा हूँ कॉफ़ी पीने के बाद जाएंगे जिम एंड जिम से आने के बाद प्रोटीन पी के उसका रिव्यू बताएंगे कि कैसा है। वर्कआउट कंप्लीट हो गया है, जिम से मैं आ गया, अभी इसको अनबॉक्स करते हैं।
देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है, अनबॉक्स करते हैं। ऊपर इसकी ये पैकेजिंग है, तो आपको ऐसे पूरी एक सील मिलती है, उस पर ये QR कोड है जिससे आप ये चेक कर सकते हो ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो अभी हम लोग तो चेक नहीं करेंगे क्योंकि पता ऑथेंटिक है, मैंने वेबसाइट से ही मंगाया है। इसको कट करते हैं, अभी भी आप अगर कट करो तो इसको ऐसे सेंटर में से ऐसे। एक सबसे अच्छी पार्ट, सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि इसमें स्कूप के लिए ये प्रॉपर ये दिया है, तो आपको स्कूप ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे हम लोग स्कूप पूरा अंदर खो जाता है ना, वो स्कूप ढूंढने की जरूरत नहीं है। अभी देखो एक तरह स्कूप है, एक स्कूप में इसके आपको मिलता है 24 ग्राम प्रोटीन एंड ये रिच चॉकलेट फ्लेवर है। खुशबू तो ठीक है, बाहर जा, वीडियो खराब करने आ रही है बदतमीज। तो स्कूप ले लिया है इसमें, तो मिक्स करके टेस्ट करते हैं कि कितनी देर में मिक्स होता है। आई थिंक ये प्रॉपरली मिक्स हो गया है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। मैं देखिए इसमें अभी थोड़े थोड़े से लम्ब्स हैं, ठीक है। अभी इसका हम लोग करते हैं टेस्ट, टेस्ट कैसा है। शेकर तो अच्छा है, लीक बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कहीं से भी। अभी इसका टेस्ट टेस्ट करते हैं। में बहुत लाइट है, पानी पी रहे हो हल्का फ्लेवर में, एंड इसका हल्का जो डार्क चॉकलेट होता है उस जैसा फ्लेवर है, एंड मीठा थोड़ा कम है। जैसे यूजुअली जो प्रोटीन होता है वो मीठे होते हैं थोड़ा ज़्यादा स्वीटनर, तो उसका जो मीठा है वो थोड़ा कम है, तो जो जिसको मीठा पसंद है उसको पसंद नहीं आएगा। वैसे ओवरऑल टेस्ट अच्छा है, लाइट है पीने में। प्रॉपर मिक्स किया, पर अभी भी मेरे को थोड़े थोड़े लम्ब्स जो होते हैं वो ऐसे मुंह में फील हो रहे हैं, मतलब प्रॉपरली मिक्स नहीं हुआ है। टेस्ट वाइज अच्छा है, मेरे को कम मीठा पसंद है उसके लिए अच्छा है, बेस्ट मिक्सिंग है। मिक्सिंग बस थोड़े से लम्स पड़ते हैं, क्योंकि यूजुअली मैं इतना ही जो भी प्रोटीन होता है वो इतना ही शेक करता हूँ। ये देखो बारिश हो रही है और बारिश में भी ये लोग खाना खा रहे हैं अपना, भाई हमको कोई टेंशन नहीं, बारिश हो तूफान आए कुछ भी हो खाना तो खाना ही है। आग लगे बस्ती में हमें अपनी मस्ती में, खाओ पियो ऐश करो। सो गाइस जो मेरा फाइनल ओपिनियन है बीस्ट लाइफ प्रोटीन टेस्ट करने के बाद एंड यूज करने के बाद, जो इसका ये प्रो कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन है इसका जो टेस्ट है मुझे अच्छा लगा, एकदम वाव नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट। जैसे मैं कंज्यूमर, नॉर्मल कंज्यूमर जो कि आप भी हो सेम, तो मैं उस वे में उस तरीके से बोल रहा हूँ। आई नो मैं गौरव भाई की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं वो, पर एज अ नॉर्मल कंज्यूमर बी ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट रिव्यू है तो मैं सच बता रहा हूँ जो मेरे को फील हुआ मेरे बॉडी के हिसाब से, मेरे टेस्ट के हिसाब से। प्रो कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन है, इसका जो मिक्सिबिलिटी है मुझे अच्छी, इतनी अच्छी नहीं लगी जो और भी ब्रांड है, और इनके खुद के एक और प्रोडक्ट है वो आपको बताता हूँ। एंड जो उसका टेस्ट है वो मुझे अच्छा लगा। गौरव भाई बोलते हैं उन्होंने एक फॉर्मूला यूज किया है, CFM मेथड जो यूज किया, जिससे आपको बहुत ही लाइट फील होगा, ज्यादा ब्रूटिंग वगैरह नहीं होगा, वो सबसे बेस्ट काम करता है, सबसे अच्छा है। जैसे कि आप प्रोटीन पियोगे आपको बिल्कुल ही लाइट फील होगा, बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब करेगा एंड आपको जल्दी भूख लगेगी, जो कि मेरे केस में भी हुआ। एंड अभी आ जाते हैं इसकी दूसरी बात पे, जो मेरे को इसका कौन सा इससे ज्यादा कौन सा अच्छा लगा प्रोटीन, तो बीस्ट लाइफ का ही आइसो रिच ब्लेंड करके प्रोटीन है गौरव भाई का, ये मुझे टेस्ट वाइज एंड मिक्सिबिलिटी के वाइज ज्यादा बेटर लगा। ऑब्वियसली ये आइसो रिच है, आइसो प्योर प्रोटीन है तो ये ज्यादा बेटर होगा, पर कंपेयर करेंगे अगर मिक्सिबिलिटी में भी कंपेयर करेंगे, टेस्ट में कंपेयर कर रहा हूं मैं, तो मुझे
वेस्ट से ज्यादा आइस वाला बेटर लगा। सो गाइस बस यही था आज का मेरा प्रोटीन का रिव्यू। एंड आपको अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, आज का मेरा प्रोटीन ऑनेस्ट रिव्यू अच्छा लगा है, जो मेरे को फील हुआ, जो मेरे को जो लगा वो मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जी वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए हर महादेव, चलो बाय बाय, टेक केयर। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।